सरकारी वन भूमि पर अवैध तरीके से लगाए गए सेब के पेड़ों को काटने का मामला फिर से गर्मा गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार के विभिन्न विभाग फिर से सरकारी वन भूमि पर लगाए गए सेब बागीचों से सेब के पौधों को काटने लगे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि बागवानों को राहत देने के मकसद से एक पॉलिसी लाई जाएगी, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई काम नहीं हुआ है, जिससे बागवानों में रोष है। हिमाचल के जुब्बल कोटखाई से जिला परिषद सदस्य ने एक बार फिर बागवानों के काटे जा रहे सेब के पेड़ों का मामला उठाया है। उनके क्षेत्र में 100 से ज्यादा परिवारों के सेब बागीचों पर कुल्हाड़ी चलाई गई है। उनका आरोप है कि बड़ी मछलियों को छेड़ा तक नहीं जा रहा, जबकि लघु तथा सीमांत बागवानों को परेशान किया जा रहा है, जिसको देखकर भी सरकार बागवानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनका कहना है कि सरकार हजारों बागवान किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने वायदे के मुताबिक 10 बीघा जमीन मुहैया करवाए। हिमाचल के सबसे बड़े सेब उत्पादक जिला शिमला के चैथला इलाके के एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि ऊपरी शिमला में कई प्रभावशाली लोगों ने सरकारी वन भूमि पर कब्जा कर वहां अवैध तरीके से सेब के बागीचे लगाए हैं। हाईकोर्ट ने इस पत्र को याचिका मानकर संज्ञान लेते हुए सरकार को सारी वन भूमि व सरकारी भूमि पर से अवैध कब्जे हटवाने के आदेश दिए हैं। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग व राजस्व विभाग ने संयुक्त तौर पर कार्यवाही करते हुए अभी तक सैकड़ों बीघा भूमि से अवैध कब्जों को हटवाया है। वन भूमि पर जो अवैध कब्जे हटाए जाने के बारे जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है, हम उनका समर्थन करते हैं और सम्मान करते हैं, लेकिन अवैध भूमि पर जो कब्जे हटाए जा रहे हैं वो उन गरीब लोगों के हटाए जा रहे हैं जिनके पास 5 बीघा से कम ज़मीन है या उनके पास ज़मीन ही नहीं है, और जिन्होंने बंदोबस्त के दौरान फाइलें बनाकर एफिडेविट दिए थे कि हमारे पास 10-12 बिसवा या 2-4 बीघा ज़मीन है और हम इस भूमि पर पिछले 30-40 सालों से रह रहे हैं और इसको नियमित किया जाए, और वो वैसे छोटे किसान हैं जिनकी आजीविका का एकमात्र साधन और वही ज़मीन है, और ऐसे लोगों के वो अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। हालांकि किसानों बागवानों में पैदा हुए गुस्से से सरकार पर पॉलिसी बनाने का दबाव बढ़ने लगा है। कब्जों के नियमितीकरण को लेकर सरकार ने किसानों को राहत देने के मकसद से 10 बीघा भूमि पर कब्जों को नियमित करने के लिए नीति लाने का आश्वासन दिया था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक ठंडे बस्ते में ही है। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि जो सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा में आश्वासन दिया था कि हम 10 बीघा से कम जिनके पास भूमि है उनके लिए हम कोई पॉलिसी लाएंगे, और इसी के तहत उन्होंने एक हाई पावर कमेटी का भी गठन किया था जिसकी चेयरमैन सेक्रेटरी रेवेन्यू है, तो उस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया जाए कि उस रिपोर्ट में क्या आया और उसकी कितनी बैठकें हुई है और उन्होंने अभी तक जो बागवानों और किसानों के हितों के लिए क्या कदम उठाए, और वो रिपोर्ट सरकार को सौंपी है और सरकार ने क्या ये मामला कोर्ट के सामने टेकअप किया है। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि तब तक बेदखली ना की जाए जब तक उन छोटे और गरीब किसानों के लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनती है, और तब तक उस बेदखली के ऑर्डर को जो है बेदखल ना किया जाए।